हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो इमेज हमने इंपोर्ट करा है उसमें हम लोग बेंडिंग पिक्चर ब्लॉक लेआउट कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले इमेज को सेलेक्ट करना होगा और फिर आपने क्लिक करना है इस फॉर्मेट टैब पर। अब फॉर्मेट टैब पर क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है इस पिक्चर लेआउट पर, जो कि पिक्चर स्टाइल ग्रुप में है। पिक्चर लेआउट में क्लिक करने के बाद सेकेंड रो के सेकेंड लास्ट ऑप्शन में आपको दिखेगा बेंडिंग पिक्चर ब्लॉक्स। अब यहाँ पे सिर्फ अपने कर्सर को रखोगे तो ये चीज़ आपके एक्चुअल पिक्चर में अप्लाई होता हुआ दिखेगा, लेकिन ये टेम्प्ररी है। इसे परमानेंट करने के लिए आपने इसमें क्लिक करना है और ये अप्लाई हो चुका है। अब दोस्तों, इसमें आप जो भी चीज़ एडिट करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करिए। जैसे कि पिक्चर है तो पिक्चर सेलेक्ट करिए, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, लेआउट है तो ये लेआउट को सेलेक्ट करिए। अब इस टेक्स्ट को आप इस एरो की मदद से भी आप एडिट कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ भी लिखते हैं और इसके बाद एंटर करने के बाद आप और भी पिक्चर अप्लाई कर सकते हैं। जितने ज़्यादा एंटर करेंगे आप उतने ज़्यादा पिक्चर अप्लाई कर पाएंगे और बैक करते ही आपका ये पिक्चर डिलीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप चाहे तो इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। इसे मैं क्रॉस करूँगा और इस टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप इस फॉन्ट ग्रुप की हेल्प से आप जो भी टेक्स्ट में एडिटिंग करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। और दोस्तों, आप इस पिक्चर को एडिट करना चाहें तो पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद इस पिक्चर टूल्स के फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे चाहे तो एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे बॉर्डर, और आप चाहे तो इसमें इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका बेंडिंग पिक्चर ब्लॉक लेआउट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज के लिए हमारे वेबसाइट mahagurus.com पे विज़िट करें। थैंक यू।